मॉडल मंडी एक्ट लागू होने के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों से ऐसी शिकायतें आईं जहां किसान से फसल खरीदकर कारोबारियों ने पैसे नहीं चुकाए और भाग गए। ऐसा ही एक मामला अब कृषि मंत्री के जिले हरदा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सीहोर जिले से आया है, जहां किसानों का आरोप है कि एक बड़े कारोबारी ने उन्हें करोड़ों का झांसा दे दिया। हरदा, देवास, सीहोर, होशंगाबाद जिले के लगभग 150 किसानों के साथ 5 से 7 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। 22 किसान देवास में एसडीएम दफ्तर पहुंचे, लिखित शिकायत दी कि आरोपी ने उनसे 2581 क्विंटल चना मूंग खरीदा, चेक दिया जो बाउंस हो गया, अब उसका अता पता नहीं है। भाव तय होने के बाद में जब हमारा सौदा हुआ तो उन्होंने हमारा माल लेके गए, जो हमारा रेट तय हुआ उसमें हमारा को लगा कि हाँ इनको दे देना चाहिए, हमने उनको हमारा माल दे दिया। माल देने के बाद में आज दिनांक तक हमारा को पैसा नहीं मिला है। ऐसे बहुत सारे किसान बंधु हैं जो मेरे साथी हैं, जो हरदा जिले से, होशंगाबाद जिले से और देवास जिला, नरसोला अपना सीहोर जिला, जो लगभग 150 से 200 किसान हैं, और अमाउंट अगर देखा जाए एक मोटा मोटा आंकड़ा तो 5 से 6 करोड़ रुपए का जो घोटाला है, जो गबन करके व्यापारी यहां से फरार हो गया। मेरा डालर चना और मूंग की फसल लगभग 18 लाख 19 लाख के बीच की लेके गए थे और चेक दे के गए मुझे, लेकिन चेक लगाने पर पर्याप्त नहीं थी, चेक बाउंस हो चुका है मेरा। अब हमें एसडीएम साहब से उम्मीद है कि हमारा न्याय करवा जाए। इन सभी किसानों की राशि आज तक वो लेकर फरार है, आज तक किसी को भी एक भी रुपया नहीं दिया। मैं मुख्यमंत्री और प्रदेश के कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जल्द उस व्यापारी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो और उसकी प्रॉपर्टी कुर्क करके किसानों की फसल का पैसा दिलाया जाए। मध्य प्रदेश में 1 मई से ही मॉडल मंडी एक्ट लागू हो गया था। हमने बताया था कि कैसे इसके बाद 47 मंडियों में ना के बराबर खरीद हुई, कई मंडियां बंद हो गईं। किसानों का कहना था पहले ये कंपनियां और व्यापारी भी मंडी में दर्ज होकर ही उत्पाद खरीदने आते थे, एक किस्म की गारंटी थी जितना माल खरीदेंगे उतने का चेक मंडी बोर्ड में रहेगा, वो भाग जाएं तो उन्हें नुकसान ना हो। लेकिन मॉडल मंडी एक्ट में इस जिम्मेदारी से वो मुक्त हो गए। एक्ट लागू होने के बाद से कई ऐसे मामले आए जहां कारोबारियों ने किसानों को ठगा है। सिवनी मालवा में 61 किसानों से व्यापारी ने धान और मक्का खरीदा, लाखों का बकाया लेकर भाग गया। बमौरी में 18 किसानों से कारोबारी ने 20 लाख का धनिया खरीदा, जो चेक दिए सब बाउंस हो गए। ग्वालियर में 24 किसानों ने शिकायत दी कि एक कारोबारी ने 10 लाख की उपज खरीदी लेकिन अब लापता है। बालाघाट में राइस मिलर ने कई किसानों को धान का भुगतान नहीं किया, अब फरार है। कृषि मंत्री कह रहे हैं सब पर कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसान उधार में माल न बेचें, लालच न करें। मंडी की बजाय मंडी के बाहर बेचे थे और वो भाग गया, उसके खिलाफ एफआईआर भी हो गई, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई, उसकी जमानत भी हो गई शायद, लेकिन उसके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे। एसडीएम कोर्ट में आवेदन करके मैं बात कर रहा हूँ और उसकी संपत्ति कुर्क करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं किसान भाइयों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि किसी को उधार मत बेचिए, किसी भी व्यापारी को उधार ना दें। ये कृषि मंत्री होने के नाते मैं निवेदन कर रहा हूँ। कुछ किसान ज्यादा रेट लेने के चक्कर में आ जाते हैं और उसके चक्कर में विश्वास भी रहता है, पहले क्या करता है व्यापारी देता रहता है, और ये कोई आज से नहीं हो रहा है, कई वर्षों से हो रहा है। पड़ोसी छत्तीसगढ़ के बालोद में तो मंडी में धान खरीदा गया, लेकिन किसानों का आरोप है कि कारोबारी ने 4 महीने बाद भी भुगतान नहीं किया है। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनसे उनके घर से ही धान खरीदी गई, उन्हें भी राशि अब तक नहीं मिल पाई है। अनिल कुमार माहेश्वरी, इनके पास जो है धान बेचे थे और इन सब मिला के जो है 673 क्विंटल है और इसका राशि बन रहा है 1,34,000 का। ये जो है इनको राशि भुगतान नहीं करके कहीं भाग गया है। इनके घर वाले भी इनके जाने के 2-3 दिन बाद जो है गुम इंसान यहाँ थाना में दर्ज कराए हैं, तो इनको जांच कर रहे हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड में दिल्ली में जमे ये किसान भी इन्हीं आशंकाओं को लेकर डटे हैं, लेकिन शायद सरकार को लगता है ये आशंकाएं निर्मूल हैं। कृषि कीमत आश्वासन और सेवा करार कारोबारियों के रजिस्ट्रेशन और विवादों के निपटारे की बात कहता है। इसी कानून की धारा 6 कहती है कि ऐसे विवाद एसडीएम कोर्ट में सुलझाए जाएंगे और किसानों को यही आशंका है कि एसडीएम कोर्ट से शायद ही उन्हें न्याय मिले। मध्य प्रदेश से लगातार जो इस तरह के मामले आ रहे हैं उन्हें इसी कानून और मॉडल मंडी एक्ट के संदर्भ में समझने की भी ज़रूरत है। बालोद से जयप्रकाश और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।